सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। बाकी आपको ये वीडियो में टीम सोल का 17 फिनिशेस के साथ चिकन डिनर देखने को मिलने वाला, जहां पे सोल रॉनी ने सोलो 7 फिनिशेस निकाले थे। सो चलते हैं हम सीधा मैच की तरफ। प्यारे से ग्रेनेड उनके ऊपर जाता हुआ, सोल की बात कर नॉक उनके भी प्लेयर्स होते नजर आएगा। रॉनी गॉट पिक डाउन एंड आई थिंक यहां पर बोटार भी खुद के प्लेयर को नॉक करा जाएगा। मैक नहीं, निंजू बेसिकली उनके द्वारा नॉक किया जाएगा उस खिलाड़ी को। एंड माइटी द लास्ट वन एंड द लास्ट माइटी फ्रॉम हिज टीम एंड आई थिंक ये ग्रेनेड भी आखिरी ही था इस गेम में टीममेट भी उनके अगेंस्ट। एंड निंजू अपना काम किया उन्होंने एंड माफ कर पर्टिकुलर टीम को एंड रिकॉग्निंग बेसिकली वो रॉक करते हुए नजर आएंगे एंड थोड़ा सा शॉक देते हुए टीम इनसेन को। एंड इनसेन एक इनसेन प्रॉब्लम में फंसती हुई नजर आएगी। यफ द लास्ट वन फ्रॉम हिज टीम वाइपर मूविंग विद बगी एंड शायद ये बगी के साथ जो उनकी मुहिम है वो एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाए पर्टिकुलर उस खिलाड़ी को। बट एलिमिनेट करने से पहले आपके पास एक बात की इन्फो होनी चाहिए, वो प्लेसमेंट पॉइंट की प्लेसमेंट की होनी चाहिए। एंड यहाँ पर अगर बात करें तो ग्रेविटी, देखो किल के चक्कर में यहाँ पर ये ग्रेविटी खत्म होते हुए नजर आएंगे क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ पर एक खिलाड़ी है, उन्हें पता था वो नहीं मिलेगा एंड कहीं ना कहीं हंटर्स उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। आई क्यू सोल की बात करें तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है एंड आई थिंक मेगा स्टार्स उनके हत्या या फिर वो मेगा स्टार्स के हत्या चढ़ने वाले हैं। एंड मानिया आते ही थोड़े परिवर्तन एंड नकुल रॉनी इस पावर वो पूरी की पूरी प्रॉपर फोर मैन लाइनअप एंड फोर धमाकेदार मैन। आई क्यू सोल पावर ग्रिड में रुकने का वैसे कुछ खासा मनसा नहीं रहने वाली, बट अगर फाइट मिल रही है फिनिश मिल रही है तो रुक ही जाते हैं। क्या बात है, रॉनी देखो आईजीएल के आते हैं एक अलग सी ही जान फूंक दी है मानिया उन्होंने अपनी टीम में। एंड हाँ वो फूंक देते हैं हर बार जब वो आते हैं अपने टीम के साथ खेलते हैं, कहीं ना कहीं वो टीम अलग ही लेवल पे अपना प्रदर्शन दिखा के जाती है। अगर वो नहीं है तो भी आपने उनका प्रदर्शन देखा होगा, कुछ ज़्यादा हमें गश्तों का देखने को नहीं मिलती। एंड फोर एचएम की बात करें तो एक एक करके उनके प्लेयर्स गायब हो रहे हैं। एंड पता था इस पावर के सामने डीवे चलाने का जो मौका है आपको मिला जरूर से आप फायदा उठा ले जाएं, उसकी उम्मीद थोड़ी कम रहने वाली। कनेक्शन ढूंढने का प्रयास, हालांकि प्यारा सा नॉक आ सकता था, दोनों के दोनों खिलाड़ियों को नॉक किया जा सकता था अगर वो फ्री फायर कंटिन्यू किया जाता तो। बट फ्री फायर अकेले लौते खिलाड़ी है, ग्रेनेड्स का प्रहार होगा, आप कितना भी भाग लीजिए एक बनवीन की फाइट ही आपको बचा सकती है। नॉक्स एक प्यारी सी बनवीन की फाइट क्राउच किया एंड शॉट लिया, खत्म किया उस खिलाड़ी को। एंड ओजी दोबारा से एक ओजी अर्ली एलिमिनेशन की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी एंड 7 मिनट करना, बट स्टिल आई थिंक यहाँ पर कुछ और भी हमें है जो देखना बाकी है। एंड आई की सोल बेसिकली वो एलिमिनेट करना चाहती है यहाँ पर न्यूमन के प्लेयर्स को। एंड यस के साथ अभी के लिए ड्रॉप एंड कुरकुरे बचे हुए, गाड़ी आउट रही है, चीज़ें बिगड़ रही है। मान्या नॉक किया जाएगा, न्यूमन यस माफ करना उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा, ड्रॉप उनको भी खत्म किया जाएगा एंड कुरकुरे उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा, यानी कि टीम न्यूमन एलिमिनेशन चरम सीमा पे थी एंड एलिमिनेट किया जाएगा उस पर्टिकुलर टीम को। हालांकि यहाँ पर मान्या रिवाइवल तो मिलेगा, बट मान्या के मानने से पहले यहाँ पर टीम आरएनटी वो दस्तक दे देंगे एंड आई थिंक उनके दस्तक की जो ज़रूरत है वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रहने वाली। बट स्टिल ये प्रेशर बढ़ाने के लिए दस्तक रहने वाली है। 13 टोटल फिनिशर्स के साथ ये टीम थोड़े और बेहतर अंक जो है अर्जित करने की कोशिश में लगी हुई है। आरएनटी तीन प्लेयर्स तीन अलग अलग दिशाओं में अभी के लिए सेम बेसिकली तीन अच्छी खासी दूरी तीनों के बीच में, बट सेम दिशा में बढ़ने का प्रयास हालांकि वो करते हुए नजर आएंगे। एंड यहाँ पर ग्रेनेड्स करके रॉनी रोकने की कोशिश कर रहे हैं टीम आरएनटी के प्लेयर्स को एंड आई थिंक यहाँ पर ये कारगर होना थोड़ा मुश्किल जरूर है। आई क्यू सोल देखो मान्या नहीं थे तब तक प्रॉफिटेबल रहने वाला एंड वो नहीं चाहेंगे कि चिकन आते आते उनके हाथ से किसी के और हाथ में चला जाए। एंड बिल्कुल उसी को मद्देनजर रखते हुए प्याज से ग्रेनेड के साथ स्वागत करते हुए खत्म करते हुए नॉक करते हुए बिजली नजर आएंगे यहाँ पर पंकू को एंड सपना चूर चूर होता हुआ आरएनटी उनका, क्योंकि यहाँ पर एक नॉक उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना सकता है, प्ले जोन वो भी प्रेशर बनाएगा एंड ये अच्छी बात वैसे तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर वो तैयार टीम हमें देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर एक्विनॉक्स उनको सर्कल के भीतर पहुँचने का मौका मिले उसकी उम्मीद थोड़ी कम, एलिमिनेट किया जाएगा एंड 13-3-16 टोटल पॉइंट जो है वो मिलते हुए नजर आएंगे यहाँ पर आई की सोल उनको आखिरी खिलाड़ी विच इज़ गोइंग टू बी MJ एंड MJ क्या वो बचेंगे, क्या वो एक क्लच करेंगे, क्या एक 1v4 है, क्या वो आई क्यू सोल को टैग कर पाएंगे आज इंस्टा पे क्लच करके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल रहने वाला है। एंड हाँ हो सकता है कि वो क्लच कर जाए, बट 4 प्लेयर्स इस प्रकार आपकी छाती पे चढ़े हैं, क्या वो आई क्यू सोल को टैग कर पाएंगे आज इंस्टा पे क्लच करके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल रहने वाला है। एंड हाँ हो सकता है कि वो क्लच कर जाए,
पर चार प्लेयर्स इस प्रकार आपकी छाती पे चढ़े, क्लच तो क्लच एंड सांस आना भी काफी ज्यादा दूर की बात हो जाती है। एंड यहाँ पर वो टीम करेगी एलिमिनेट आई। बाकी आपको टीम सोल का 17 फिनिशेस के साथ चिकन डिनर आज का कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना स्क्रिम्स का। बाकी अगर आपने BGIS के मैचेस नहीं देखे जहाँ पे टीम सोल ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है राउंड 4 के लिए BGIS का, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके जाके देख सकते हो। तो बस ये था आज का वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सोल के अपडेट और तोड़फोड़ के साथ। तब तक अगले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग।